तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल का एस एम टी पी सर्वर यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशंस में ई मेल्स सेंड कर पाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्जेस गूगल लगाता नहीं है पाँच सौ ई मेल्स जो है वो हम उनके सर्वर से हर रोज़ फ्री में सेंड कर सकते हैं तो हाउ टू सेंड ई मेल्स फॉर फ्री यूजिंग गूगल एस एम टी पी सर्वर तो सबसे पहले मैं एक डेमो दे देता हूँ आपको और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे मैंने बस एक बेसिक यू बनाया है यू की कोई ज़रूरत है नहीं हमारा हमारा जो पूरा मेन कोड है वो सब बैक में होने वाला है जो कि डॉट नेट में मैंने बनाया है आप कौन सी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं प्रोसेस तो सेम ही होगा तो मैंने बस डेमो दिखाने के लिए यू बनाया है तो यहाँ पर फ्रॉम ई है यानी कि जो जिस अकाउंट से हमें ई सेंड करना है वो डालना पड़ेगा तो मैंने एक मेरा ईमेल डाल दिया अब टू ईमेल्स मतलब अलग अलग ई मेल्स हम डाल सकते हैं जो जिन, जिन को भी हमें ईमेल सेंड करना है यहाँ पे मैं खुद का ही ईमेल डाल देता हूँ क्या आपके पास अगर कोई अलग दूसरा ईमेल आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं लेकिन मैंने यही डाला है तो मुझे एक ही यही ईमेल आईडी से इसी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगा अब मैं सब्जेक्ट डालता हूँ जो कि मैं टेस्ट ई डाल देता हूँ और बॉडी में मैं ये वाली बॉडी डाल देता हूँ दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो और थैंक्स बोल के तो मैं सेंड करता हूँ ये मैंने क्लिक किया सेंड पे ये थोड़ा टाइम लेगा ईमेल सेंड करने का और जैसे ही सेंड होगा ईमेल सेंड बोल के आ जाएगा अब मैं इस साइड में मेरा ई का बॉक्स खुला है मैं वहीं पर दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मी बोल के आ गया क्योंकि मैंने सेम अकाउंट से ई सेंड किया था और टेस्ट ई और इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो थैंक्स तो ये वीडियो में मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ये ईमेल हमें सेंड करना है तो ये वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं कोड लिखने से पहले मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ कि ई हम किस तरीके से सेंड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई मेल इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर क्लाइंट्स यूजिंग अ सर्वर इन बिटवीन तो जब भी हम एक ई मेल किसी दूसरे को सेंड करते हैं या फिर कोई भी मैसेज भले ही वो व्हाट्सएप का कोई मैसेज हो तो वो डायरेक्ट दूसरों के पी सी में नहीं जाता सबसे पहले वो एक सर्वर पर जाएगा यहाँ पर मेल सर्वर होगा अगर हम ई मेल सेंड कर रहे तो और वो मेल सर्वर बाद में जो रिसिपियंट है उसको फॉरवर्ड कर देगा वन क्लाइंट विल क्रिएट एन ई मेल बाई प्रोवाइडिंग वन और मोर रिसिपियंट एड्रेस सब्जेक्ट एंड बॉडी दिस ई मेल विल बी सेंड टू अ सर्वर एंड द सर्वर विल सेंड द ई मेल टू ऑल रिसपियंट्स तो वो सर्वर बाद में फॉरवर्ड कर देगा लेकिन ई मेल को हम अगर हमें सेंड करना है तो एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ता है जो है एस एम टी पी तो ये जो एस एम टी पी प्रोटोकॉल है इसके अंदर रूल्स होंगे कि ई मेल के अंदर जो टैक्सट है वो कौन सा टेक्स्ट सब्जेक्ट है कौन सा टेक्स्ट बॉडी है रिसिपियन एड्रेस कहाँ पर होगा वो सारी चीज़ें इस एस एम टी पी प्रोटोकॉल में लिखी होगी तो इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करके हमें ई सेंड करना होता है और ये मेल सर्वर भी बाद में जब फॉरवर्ड करता है तो वो इसी प्रोटोकॉल को यूज करके रिसीवर को सेंड कर देता है और जब इस सर्वर से हमें रीड करना होता है किसी ईमेल को तो उसके केस में आई एम ऐप बोल के एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और या फिर पी ओ पी थ्री मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी मदद से ये दो प्रोटोकॉल्स की मदद से हम कोई भी ईमेल रीड कर पाएंगे रिट्रीव कर पाएंगे लेकिन इस केस में हमें रिट्रीव करना ही नहीं है हमें सिर्फ ई को सेंड करना है तो हम सिर्फ एस प्रोटोकॉल किस तरीके से यूज़ करना है वो देखेंगे तो सिस्टिम डॉट नेट डॉट मेल बोल के नेम्स पे से इसी के अंदर दो क्लास होंगे जो हम यूज़ करने वाले ये वाला एक क्लास है जिसके अंदर हम ईमेल के अंदर जो कंटेंट है ईमेल का यानी कि फ्रॉम का ईमेल एड्रेस टू वाले ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट बॉडी वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर स्टोर की जाएगी वी नीड टू क्रिएट एन एस एम टी पी क्लाइंट दैट विल हैव ऑल द क्रेडेंशियल टू कनेक्ट टू एस एम टी पी सर्वर मेल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए जो क्रेडेंशियल्स चाहिए वो हमें सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि हम पहला एक कनेक्शन बनाएंगे और एक बार कनेक्शन सेटअप हो गया तो ई मेल सेंड करेंगे लेकिन कनेक्शन सेट करने के लिए हमें उसका एक एड्रेस चाहिए होगा आई पी एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर चाहिए होगा अब एक सीनेरियो देख लीजिए यहाँ पर कि ये क्लाइंट से मैंने एक ईमेल सेंड कर दिया कनेक्शन वगैरह पूरा सेटअप करके ईमेल सेंड कर दिया फ्रॉम का जो फील्ड होता है ईमेल में वहाँ पे मैं खुद का ईमेल भी डाल सकता हूँ या फिर किसी और का भी डाल सकता हूँ तो अगर मैंने किसी मेरे दोस्त का डाल दिया और वो फिर सेंड कर दिया तो जिसको भी ये रिसीव होने वाला है उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ई किसने सेंड किया क्योंकि फ्रॉम में तो मेरे दोस्त का एड्रेस आ जाएगा तो ये तो प्रो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा कोई भी किसी को किसी की भी ई के साथ सेंड कर पाएगा तो उसको अवॉइड करने के लिए जिस अकाउंट से हम ईमेल सेंड कर रहे हैं जिस क्लाइंट से पहले उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसके बिना हम सेंड कर नहीं पाएंगे इस केस में हम गूगल का एस सर्वर यूज़ करने वाले केस में गूगल अकाउंट से ही हम सेंड करेंगे इस भी ई मेल गूगल जी अकाउंट से हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर एक पासवर्ड सेटअप करना होता है हमें तो द अकाउंट फ्रॉम विच वी आर सेंडिंग ई मेल मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड फॉर गूगल अकाउंट्स वी नीड टू सेटअप द पासवर्ड दैट विल बी यूज टू ऑथेंटिकेट तो वो जो पासवर्ड हम डालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से तो वो पासवर्ड सेटअप करना है तो वो पासवर्ड जैसे ही हम सेंड करेंगे पहले हमारा अकाउंट ऑथेंटिकेट होगा अगर वो पासवर्ड जो हमने सेंड किया है उस क्लास के अंदर वो बराबर हुआ तभी आगे की प्रोसीजर होगी वरना वहीं पे एरर आ जाएगा तो जब हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो ईमेल की बॉडी है वो एस सर्वर पे जाएगी और एस सर्वर उसे फॉरवर्ड कर देगा तो यही पूरा प्रोसीजर था अब यही प्रोसीजर एक्चुअल में कोड में किस तरीके से लिखना है मैं वो बता देता हूँ आपको तो इस डेमो के लिए मैं ए एस पी डॉट नेट को वेब ए पी आई यूज़ करूँगा जो कि बहुत केस में बैकहेंड में वही यूज़ होता है तो वह और सीशार्प के अंदर ईजीली इंटीग्रेशन है एस एम टी पी कनेक्शन के लिए तो हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ए एस पी डॉट नेट को वेब ए पी आई तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने ए पी आई रखा है और सोल्यूशन का नाम ई मेल सर्विस ए पी आई तो नेक्स्ट करके डॉट नेट एट यूज़ कर रहा हूँ तो लेटेस्ट वर्जन है और ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है एम टी प्रोजेक्ट है अभी ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स जो ये डालते हैं इनको डिलीट कर देता हूँ और एक ई कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर डाल देता हूँ एम कंट्रोलर ई कंट्रोलर ये कंट्रोलर बन गया अब यहाँ पे मैं एच टी टी पी पोस्ट मेथड बनाऊँगा जिससे कि कोई भी यूआई जिसमें भी आप बनाएंगे रिएक्ट एंगुलर या प्लेन जावास्क्रिप्ट वगैरह तो ये ही एंड पॉइंट उससे कॉल होगा इसका नाम हम रखेंगे सेंड ईमेल। मेल तो ये मेथड लिख दिया है मैंने टेम्प्ररी अब इनपुट जो ये लेगा वो एक ई का मॉडल होगा जिसके अंदर हम स्पेस सेपरेट फील्ड्स लिख सकते हैं लेकिन मैं एक क्लास बनाऊँगा कोई मैं फोल्डर वगैरह नहीं बना रहा हूँ यहीं पे एक बना दूंगा क्लास ईमेल मॉडल बोल के ये ईमेल मॉडल बोल के क्लास बना दिया है तो पहली फील्ड इसमें आएगी फ्रॉम ईमेल वाली तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा अब टू ईमेल्स मैंने ईमेल्स लिखा है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ईमेल्स होने वाले लेकिन ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही वो स्ट्रिंग में होगा अलग अलग ई जब डालेंगे तो सेमी कोलन सेपरेटेड होंगे तो एक ई के बाद सेमी कोलन आएगा फिर दूसरा ई हमें एरे वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है सीधा स्प्लिट कर देंगे हम सेमी कोलन पर इसके बाद सब्जेक्ट और बॉडी होगी तो ये सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग में होगा और बॉडी भी स्ट्रिंग में ही होगी तो ये चार फील्ड इसमें डाल दिए और ये हमारा एंड पॉइंट जो है वो ईमेल मॉडल इनपुट लेगा तो पहले मैं एक मैसेज बना देता हूँ न्यू मेल मैसेज तो ये सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल में ये क्लास है तो इसके अंदर मैं फ्रॉम ई मेल फ्रॉम की फील्ड में अब इसके अंदर है फ्रॉम की फील्ड तो ये है एक मेल एड्रेस तो डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते मैं पहले मेल एड्रेस का क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में फ्रॉम ई मेल डाल देंगे उसके बाद सब्जेक्ट होगा ई मेल डेटा डॉट सब्जेक्ट अब बॉडी जो है हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं लेकिन बॉडी जो है हम एच फॉर्मेट में रखेंगे ताकि हमें बोल्ड या इटैलिक uh, वगैरह भी करने को आ सके तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ अगर प्लेन टेक्स्ट डालना है तो सीधा बॉ ये फॉल्स ही रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट और सिर्फ बॉडी इक्वल टू ईमेल बॉडी कर दीजिए टू का जो एड्रेस है वो एरे होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं इसीलिए हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा तो फॉर ईच टू ईमेल इन ईमेल डेटा डॉट टू ईमेल्स इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा सेमी कोलन पे अब ये स्प्लिट वाला जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करेगा तो एक ई मेल इस वेरिएबल में आ जाएंगे और जैसे ही आ जाएंगे इस मैसेज के अंदर टू गोल के फील्ड होती है जो कि एरे होता है ऐड करेंगे न्यू मेल एड्रेस टू ई तो इस केस में हमारा पूरा मैसेज जो है वो तैयार हो चुका है ये मैसेज हम एस सर्वर को सेंड कर सकते हैं लेकिन पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चाहिए तो अगर गूगल का एस एम टी पी सर्वर देखे तो उसका जो डोमेन नेम है वो एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम पोर्ट नंबर जो है वो फाइव हंड्रेड एटी सेवन है तो इसको यूज़ करके हमें कनेक्शन सेटअप करना है तो उसके लिए एस एम टी पी एक्ल टू न्यू एस एम टी पी क्लाइंट यहाँ पर हम इसका होस्ट का एड्रेस डालेंगे एस एम टी पी जी मेल डॉट कॉम अब इसका जो पोर्ट होने वाला है वो है 587 और फिर उसके बाद एनेबल एस एस एल इक्वल टू ट्रू जिससे कि ये एच को यूज़ करेगा अब हमने एस सर्वर को और पोर्ट नंबर यूज़ करके कनेक्शन तो सेटअप कर लिया लेकिन और ये जो जिस अकाउंट से हम ईमेल सेंड करने वाले उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए पासवर्ड भी सेटअप करना पड़ेगा तो वो पासवर्ड हम गूगल अकाउंट्स का जो मैनेज का सेक्शन होता है वहाँ पर करेंगे तो आप जिस भी अकाउंट से सेंड करने वाले ई वो अकाउंट के यहाँ से मैनेज मैनेजर गूगल अकाउंट में आ जाइए यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा वह उस पर क्लिक करिए अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन ये आपने सेटअप नहीं किया तो आपको ये सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना वेरिफिकेशन नहीं हो सकता इसको सेटअप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए ये पासवर्ड पूछेगा वो डाल दो और उसके बाद इसके सबसे नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पासवर्ड्स बोल के तो इस पर क्लिक करो तो वो पासवर्ड यहाँ पे कोई भी नाम दीजिए मैं यहाँ पे एस नाम देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करें तो ये इस तरीके से एक पासवर्ड जनरेट करके देगा और ये जो पासवर्ड है आपको प्राइवेट रखना है किसी पब्लिक में डिस्क्लोज मत करिए अभी के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी ये पासवर्ड को मैं डिलीट कर दूँगा तो अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया डन किया इसको मैं सेव करके रखता हूँ तो मैंने यहाँ पे इस पासवर्ड को सेव करके रखा ताकि इसको मैं यूज़ कर सकूँ एक बार मैंने सेव किया तो मैं सिर्फ डिलीट कर सकता हूँ बाद में उसको व्यू नहीं कर पाऊँगा और जो पहले वाला पासवर्ड था इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ तो जो नया बनाया है वही यूज़ होगा अब यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है हमें तो हम क्रेडेंशियल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल और सबसे पहले हमारा यूज़र नेम आएगा इस केस में फ्रॉम ई मेल होने वाला है अपना और फिर ये होगा हमारा पासवर्ड जो कि अभी मैंने डाला तो ये पासवर्ड यूज़ होगा अब ऑथेंटिकेशन के लिए अब क्योंकि मेरा ही ईमेल से हमें सेंड कर रहा होगा तो ये पासवर्ड बराबर है अगर मैं मेरे दोस्त का ईमेल मेल यहाँ पर डाल दूँ तो मुझे नहीं पता उसके अकाउंट में क्या पासवर्ड डाल के रखा है तो ये ऑथेंटिकेट होगा ही नहीं जिससे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से हम सेंड करेंगे सेंड क्या करना है जो अभी हमने मैसेज बनाया वो और उसके बाद हम ई मेल सेंट बोल के रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे तो कोड में देखिए तो इतना ही कोडिंग था ये बराबर चलना चाहिए इसको मैं रन करता हूँ तो ये स्वागर ओपन हो चुका है इट आउट में फ्रॉम ई में मैं मेरा ई डालता हूँ और यहाँ पर भी वही ई डालता हूँ और सब्जेक्ट न्यू ई और मैंने कुछ बॉडी इसमें डाल दी अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने डीबक पॉइंट रखा लगा के रखा था तो यहाँ पे वो डेटा पूरा आ जाएगा हमारा और फिर ये मेल मैसेज यहाँ से बन जाएगा ये टू ईमेल मेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा अब यहाँ से कनेक्शन इसमें हो जाएगा और सेंड करने के बाद ये एरर आनी नहीं चाहिए तो एक हो गया सेंड अब कंटिन्यू कर दूंगा तो रिस्पॉन्स आ गया ई मेल सेंट बोल के तो ई मेल तो यहाँ पर सेंड हो गया है अब मैं देखता हूँ एक्चुअल में सेंड हुआ है कि नहीं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो न्यू ई मेल बोल के आ चुका है जो मैंने अभी सेंड किया था दिस इज़ न्यू ई मेल सेंड फ्रॉम यूट्यूब वीडियो लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मैंने अब ये वाला जो ई मेल है वो पहले जो डेमो के लिए सेंड किया था मैंने वो है। ये बोल्ड में दिख रहा है क्योंकि हमने एच टी एम एल का पार्ट सेटअप ही नहीं किया वो एच टी एम एल कैसे होगा जब हम बॉडी को असाइन करेंगे एच टी एम एल इक्वल टू ट्रू किया है तो डायरेक्ट असाइन नहीं करेंगे इसको एच टी एम एल टैग में डालूंगा मैं क्योंकि जो बॉडी की स्ट्रिंग होगी अब वो एच टी एम एल है इस हिसाब से अज्यूम कर लिया जाएगा और उसके हिसाब से ही वो पार्स होगा इसके अंदर बॉडी और उसके अंदर अपना हेडिंग का टैग होगा एच इसको इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग बना देता हूँ और ई मेल डॉट बॉडी इसमें आएगी इसको वापस से एक बार रन करके देखता हूँ अब एग्जीक्यूट करता हूँ कंटिन्यू ये ई मेल सेंड बोल के आ गया और यहाँ पे देखे तो न्यू ई मेल आफ्टर एच टी एम एल तो एच टी एम एल पार्ट हैज़ बिन एडेड और ये बोल्ड में आ गया यानी कि एच टी एम एल हमारा काम कर रहा है इसमें अब इसमें आप अगर देखें तो एच टी एम एल का जो कोड लिखा है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो बोल्ड टैग इटैलिक टैग या जो भी आप मर्जी वो डाल दीजिए एच टी एम एल के हिसाब से दिखेगा ये तो जो मैंने एस एम टी पी क्लाइंट यूज़ किया यहाँ पे ईमेल सेंड करने के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सी शार्प के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं तो ये सबसे ईजी मेथड है लेकिन अगर इसको यूज़ नहीं करना और कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना है तो मेल किट बोल के भी एक पैकेज है जो कि नूगट पैकेज में आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से कर सकते हैं लेकिन ये सबसे इजी लगा इसलिए मैंने बता दिया इसको अब ये जो पासवर्ड मैंने डाला था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं मेरा खुद का बाद में पासवर्ड डाल दूंगा दूसरा अब जो ये यू मैंने डेमो में दिखाया था ये मैंने बस एंगुलर में टेम्प्ररी यू बनाया था ताकि यू आई से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं लेकिन डेमो अभी जो टेस्ट किया मैंने वो स्वैगर से किया था क्योंकि उस उतनी ही ज़रूरत है हमें ये यू तो बस मैंने टेम्प्रेरी बनाया था लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ ये एंगुलर में क्या किया था मैंने बस एक एंगुलर का एक एप्लीकेशन बनाया था बेसिक जिसमें मैंने एच का फाइल भी नहीं बनाया बस यही टेम्पलेट की जो फाइल है ऐप डॉट कम्पोनेंट में इसी में मैंने एच डी एम एल लिखा है तो एक बेसिक फॉर्म एलिमेंट है जिसमें मैंने टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच यूज़ किया है एक लेबल इनपुट और ये टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच है जिसमें ये वाला एक वेरिएबल बनाया था टाइप स्क्रिप्ट में और सी एस एस भी देखिए मैंने इनलाइन सी एस एस यूज़ करी है इतना ही सी एस एस है अभी टाइप स्क्रिप्ट क्लास में देखे तो एक चार वेरिएबल्स है जो कि फॉर्म से कनेक्टेड है फ्रॉम ई मेल टू नेम और ये बॉडी जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा अब सेंड बटन यहाँ पे है सेंड ई मेल पर यहाँ पर क्लिक इवेंट है नहीं क्योंकि ये फॉर्म टैग के अंदर है तो जब भी ये सबमिट होगा ये सेंड ई मेल कॉल हो जाएगा और सेंड ई मेल के अंदर से मैंने एच टी पी पहले तो डेटा रिट्रीव कर लिया वो वेरिएबल्स का और एच टी पी क्लाइंट को इंजेक्ट कर लिया कंस्ट्रक्टर में फिर पोस्ट मेथड में ये वाली यू आर एल मैंने डाल दी जो हमारे आई एस पी डॉट नेट को वे बी पी आई की है वो इसमें ई मेल डेटा डाल दिया जो भी रिस्पॉन्स आएगा ई मेल सेंट इक्वल टू ट्रू कर देंगे अब ये ई मेल सेंट जो है एक वेरिएबल है बुलियन और जैसे ये बुलियन वेरिएबल ट्रू हो जाएगा इफ़ ई मेल सेंट ट्रू ई मेल सेंट नाम का एक मैसेज डिस्प्ले होगा ये मैंने कोड लिख के इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगा इसकी कोई ज़रूरत है हमारा मेन एम था ई को सेंड करना और वो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है बस यही कोड आपको यूज़ करना है जहाँ पे भी आपको ईमेल सेंड करना है वहाँ तो इस वीडियो में इतना ही था आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए वीडियो को शेयर करिए और अगर कोई नया सजेशन हो तो वो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद